My name is Amrit Gupta. Welcome to my channel America Samrat. So friends, आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले congratulations बोलना चाहूँगा because हम level 2 पे पहुँच चुके हैं और level 2 में हम तीन चीजें सीखेंगे answer, triple digit, addition and subtraction and double digit addition subtraction. So आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ double digit की addition and subtraction. So friends, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please subscribe my channel and press the bell icon. और फ्रेंड्स डबल डिजिट सीखने के लिए सबसे मेन चीज है कि मैंने जो आपको लेवल 1 में सारे रूल्स सिखाए थे नंबर फ्रेंड सिखाए थे आपको उन्हें याद करना चाहिए और अगर आपने याद नहीं किया सो मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा. सो फ्रेंड्स आ चुके हैं और हमारा बैकअप टूल सेट है. सो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिन्होंने ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्हें बैकअप के बारे में कुछ नहीं पता. सो मैं आपको अपने सबसे पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, प्लीज़ आप उसको देख लेगा. और अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं सो उन्हें पता होगा बैकअप टूल के बारे में. सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एंजिन और डबल डिजिट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मैं आपको टेबल्स की भी करवाऊंगा अबैकस से. सो सबसे पहले हम कुछ छोटे सम्स कर लेते हैं डबल डिजिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन. 11 प्लस 23 प्लस 62 इज इक्वल टू 96. सो फ्रेंड्स हम तो हमेशा इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर से करते हैं सो कुछ स्लो भी हो जाता है लेकिन अब हम इसे थोड़ा फास्ट वे में करेंगे. सो हमें यूज़ करना है मिडल फिंगर लाइक 42 प्लस 65 प्लस 93 इज इक्वल टू 200. तो देखना अगर हम मिडल फिंगर से करेंगे तो हमारा थोड़ा स्पीड में होता है. सो नेक्स्ट सम करते हैं 57 माइनस 23 प्लस 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 94. 77 माइनस 11 माइनस 52 प्लस 12 इज इक्वल टू 26. सो ये थी हमारी कुछ डबल डिजिट्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो नेक्स्ट हम करेंगे टेबल्स. एंजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एंजन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. सो टेबल्स करते हैं हम टू की सबसे पहले करते हैं टू प्लस टू. सो आपको टू की टेबल करेंगे सो कुछ लोगों को ट्रिक्स तो पता होंगी कि टू में प्लस टू करते जाएंगे तो टू की टेबल हो जाएगी. अबैकस में भी कुछ ऐसा ही है, आप इसे बहुत स्पीड में कर सकते हैं लेकिन मैं आपको स्लो में करके दिखाता हूँ. टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू एट प्लस टू. सो इसके लिए हमें सप्लीमेंट का रूल करना होगा देन प्लस टू फिर दोबारा प्लस टू करने के लिए हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना पड़ेगा प्लस टू फिर हम सप्लीमेंट का रूल करेंगे बिकॉज 18 में प्लस टू करने के लिए हमें सप्लीमेंट चाहिए प्लस टू इज इक्वल टू 20. सो अब मैं आपको थ्री की टेबल इसे थोड़ी सी मीडियम स्पीड में करके दिखाता हूँ. थ्री प्लस 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 थ्री इज इक्वल टू 30. सो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा अगर आप इस टेबल्स की प्रैक्टिस रोज रोज करते रहेंगे सो आपका दो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी. सबसे पहले आप टेबल बहुत अच्छी से करेंगे और साथ में एंजन भी आपका बहुत अच्छा होगा. अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंजन. सो एंजन के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा. ज़्यादातर बच्चे गेम खेलते हैं, आप मॉल में जाते हो तो हुनेस लगाते हो देन बटन से गेम खेलते हो, बटन आप दबाते हो तो आप ऐसे हिलते हो फिर बटन दबाते हो अगर आपको शूट करना होता है तो कुछ होता है. सबसे पहले आपको अपने अबैकस टूल को माइंड में सेट कर लेना है लाइक प्रिंट कर लेना है कि अबैकस टूल ऐसे होता है. इसको पूरी जांच करके मतलब आप देखिए कि इसमें ये चीज़ है तो आपको उसमें माइंड में सेट कर लेना है. अब देन जैसे कि आप बटन दबाते हो गेम में आपको ऐसे ही अबैकस चलाना है ऐसे अपने माइंड में आंखें बंद करके. सो इस तरह होता है एंजन. अब एंजन से होता क्या है और एंजन क्या होता है, सपोज करो कि अगर यहाँ से मुझे कोई सम बोल रहा है कि आप ये सम करो विथ अबैकस. सो लाइक यहाँ एक टेबल है और यहाँ मेरा अबैकस टूल रखा हुआ है, अब मैं ऐसे एक सम करूँगा बट अगर वो बोलता है अब आपने ऐसे बहुत सारे कर लिए अब आप बिना अबैकस को करो अरे मुश्किल सम करो. सो अब मैं बिना अबैकस के क्या करूँगा तो इस वक्त हमें जरूरत होगी एंजन की. सो एंजन होता कैसे है, तो सबसे पहले हमें अपने अबैकस को माइंड में सेट कर लेना होता है और हमें अपने इंडेक्स फिंगर थंब फिंगर दोनों हाथों को एकदम ऐसे रख लेना होता है और आंखें बंद कर लेना होता है. जैसे कि वो मुझे बोल रहा है टू प्लस सिक्स
प्लस 8 प्लस 9 ऐसे कुछ सम होता है, तो मुझे अपने माइंड में वो करते रहना है बैकस से, मेरे जो माइंड में बैकस है उसकी बीट ऐसे हिलती रही होगी और उसको हिला मेरे फिंगर्स रहे होंगे ऐसे, यानी मन में हमारा बैकस होगा और हम उसे हिलाते रहेंगे ऐसे, और जैसे कि जब वो आंसर बोल करेगा आंसर बोलो तो जब मेरी फिंगर्स सूख जाएंगी और हमारे मन में जो आंसर आएगा हम उसे पढ़ लेंगे और आंसर बोलेंगे लाइक 2 2 5 1 5 -7 -5 2 -5 4 8 1 5 -4 9 -5 = 18 ऐसे ही आपको आंसर देना है। और फ्रेंड्स मैंने जब आपको टेबल सिखाए थे तो आप मैंने आपसे बोला था कि टेबल से आप एंजन भी इम्प्रूव होगा, सो ये होता भी है क्योंकि मैंने भी पहले एंजन में बहुत ही वीक था, फिर मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टेबल्स करो, टेबल्स से आपकी एंजन इम्प्रूव होगा, सो मैं टेबल्स कर रहा हूँ, मेरा एंजन इम्प्रूव भी हो गया। और फ्रेंड्स आप भी एंजन में ऐसे वो परफेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कि अब आपने ये किया, अब हमें ऐसे करतेंगे आंखें बंद करके, फिर आप आंखें खोल कर भी ऐसे अपने उंगलियों को बीट्स हिलाते रहेंगे उंगलियों से, अब देन फिर आप आंखें बंद करेंगे और आपकी उंगलियां नहीं हिलेंगी, लाइक 8 + 5 + 4 - 2 + 3 = 18। आपने देखा मैंने उंगलियां हिलाई नहीं, बिल्कुल फिंगर्स हिलाई नहीं मैंने, सिर्फ आइज क्लोज की, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको अपने कुछ फिंगर्स भी नहीं हिलानी है और ना आइज क्लोज करना है, और आप माइंड में आप ऐसे करते रहेंगे। सो मैंने कुछ लोगों को देखा है तो थोड़ा फनी भी लगता है, लेकिन वो सच में उनका आंसर हो जाता है, वो आइज क्लोज करते रहते और अपने मुंह से बैठ जाते 2 + 6 कुछ इस तरह से भी होता है, थोड़ा फनी भी लगता है बट उनका आंसर भी करेक्ट होता है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था बट मुझसे हुआ नहीं था, लेकिन अगर आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। सो अपने पेरेंट्स को बुलाइए, बोलिए ये लीजिए सम, या और आपको उन्हें रट्टा नहीं माने के सन बनाने, पहले रट्टा मार लो फटाफट से, अब उन्हें दे दो, अब वो पूछ लेंगे आंसर बना दो सही, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। मम्मी किसी से भी बोल के बोलो मम्मी आप ये सम्स बना दो मेरे, और आप मुझसे एंजन की पूछो, और अगर आप उन्होंने नहीं पता होगा एंजन तो आप मेरी वीडियो उन्हें दिखा सकते हैं, तो वो जैसे कि बोलेंगी और आपको कुछ ऐसा करना है आंखें बंद करने हैं, और जो बिगनर्स होंगे तो उन्हें अपना बैकस ढूंढो, और आपने बैकस अभी भी नहीं किया है तो 130 रुपीज़ का आएगा लगभग, वो आप खरीद लीजिए किसी भी स्टेशनरी शॉप से, तो उसे भी खरीद सकते हैं आपको, जिससे भी आपके पास में स्टेशनरी शॉप है आप बैकस को बाय कर सकते हैं, 130 to 150 रुपीज़ का आपको बैकस टूल मिल जाएगा। सो आपको बैकस टूल अपने सामने रखना है बट आपको उसे छूना नहीं, उसकी बीट्स को छूना नहीं, बस उसको सेट करके रख लिया, ऐसे कर लिया आंखें बंद कर लिया और करो, लगभग आपकी जो दूरी होनी चाहिए वो बैकस के टूल होना चाहिए वो यहाँ पर, और आपकी फिंगर जो होनी चाहिए यहाँ पे ऐसे हिलनी चाहिए वो फिंगर्स, ये सम बोलेंगे आपको, जैसे कि मुझे थोड़ा मुश्किल सम लेता है, आपके मैंने को मल्टीप्लाई सिखाया नहीं है, सो मैं मल्टीप्लाई का ही सम कर लेता हूँ, तो क्योंकि अभी आप जब थर्ड लेवल में आएंगे आपको मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा कि 48 × 6 सो 288 24 × 2 48 सो आप ऐसे भी एंजन कर सकते हैं मैं इतना। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सो अगर आप जान गए होंगे एंजन क्या होता है, और अगर अभी भी नहीं जाने सब वीडियो को दोबारा कीजिए, रिवाइंड कीजिए और सीखिए, जिसके आप शॉपिंग के लिए गए है ना, तो शॉपिंग के लिए गए अब आपने किसी शॉपकीपर से कुछ परचेज किया, अब उसमें कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही तो आप गिन रहे थे, अब तक वो सामान ले रहे थे, अब तक आपके पास जो पैसे हैं उन्हें अच्छे से गिने, वो कितने का वो गिने, तो आप अबैकस से है तो ये तो नहीं कि आप अबैकस अपने पास से निकालेंगे फिर वहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं एंजन आपको सीखना पड़ेगा, एंजन से आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा जल्दी जल्दी करेंगे। सो फ्रेंड्स एंजन की मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं आपको एंजन की डेफिनेशन बताता हूँ। सो एंजन की डेफिनेशन है बिना बैकस टूल को टच किए अपने माइंड में बैकस टूल को सेट करके मैथ्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने को ही एंजन कहते हैं। सो फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको एंजन समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंजन के बारे में बताऊंगा दोबारा से। सो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स।